नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 4 अक्टूबर 2019, तो आज हम देखेंगे 4 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या होगा। तो वह क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में यानी SEQI में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में जो राज्य पहले स्थान पर रहा है उस राज्य का नाम है दोस्तों केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, केरल। इसका कल वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। दोस्तों इसी प्रकार आज के वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो दोस्तों वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से शेयर भी कर दें। तो वीडियो हमारा कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान ने BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति से इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो हाल ही में दोस्तों कपिल देव ने जो BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति है उससे इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपिल देव। तो कपिल देव इसका सही उत्तर हो गया। तो इन्होंने इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया है इसके बारे में देखते हैं। तो ये फोटो में आपको पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने BCCI के सलाहकार समिति से इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो हम जानते हैं BCCI के बारे में, तो BCCI के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह कौन है दोस्तों। तो BCCI के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनके नाम है CK खन्ना, और BCCI का वर्तमान जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। अब जानते हैं क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो दोस्तों पूर्व भारतीय जो कप्तान है कपिल देव हैं, उन्होंने BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति यानी CAC से इस्तीफा देने का फैसला किया है। और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी MPCA के जो जीवन सदस्य संजीव गुप्ता द्वारा दावा किए गए हितों के टकराव के आरोप के कारण यह निर्णय लिया गया है। कपिल को दोस्तों BCCI की एथिक्स ऑफिसर DK जैन ने सितंबर में हितों के टकराव का नोटिस भेजा था। उन्होंने शांता और CAC के अन्य सदस्य अंशुमन गायकाड़ को भी नोटिस भेजा था। तो इस कारण से कपिल देव ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारा WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, द टीच विस्पर नामक एक नई पुस्तक का विमोचन हुआ है हाल ही में, तो इसके लेखक कौन है। तो द टेक विस्पर्स जो पुस्तक है उसका जो विमोचन हुआ है उसके लेखक है दोस्तों जसप्रीत बिंद्रा। तो ये जसप्रीत बिंद्रा फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पुस्तक का कवर पेज है। जसप्रीत बिंद्रा डॉट एक विस्परर इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में हुआ है। तो इस पुस्तक में क्या विशेष है उसके बारे में जानते हैं। तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट हैं जसप्रीत बिंद्रा, उनके द्वारा लिखित जो ये पुस्तक है उस पुस्तक पुस्तक में दोस्तों एक नई पुस्तक जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। पुस्तक पेंगुइन इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। ये इसका प्रकाशक का नाम है पेंगुइन इंडिया। और यह पुस्तक दोस्तों AI ब्लॉकचेन इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्चुअल रियलिटी जैसी उभरती हुई तकनीकों का वर्णन और स्पष्टीकरण करती है। और दोस्तों यह भी बताती है कि कंपनियां अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को चलाने के लिए उन्हें कैसे नियोजित कर सकती हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे प्रभावशाली स्वच्छता जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उसका अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर का अवार्ड हाल ही में प्रदान किया गया, 2 अक्टूबर को दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है, तो ये दोस्तों सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। तो ये अवार्ड लेते हुए सचिन तेंदुलकर हैं, और पास में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर का अवार्ड प्रदान किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड
लेवल पर माना जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई तो इसके बारे में कोई विशेष जानकारी है वो देखते हैं। तो ये फोटो में आपको महात्मा गांधी दिखाई दे रहे हैं, पास में लिखा हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बारे में देखते हैं, तो महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के अनुसार इस दिवस का उद्देश्य लोगों में शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा का संदेश फैलाना इस दिवस का मेन मोटो है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से 2007 में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसमें दोस्तों समुदायों के मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, बराबरी का अधिकार, लोकतंत्र और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिए जाने की बातें शामिल की गई थी। तो ये कब से मनाया जा रहा है, ये 2007 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का कार्यकारी निदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो IMF का कार्यकारी निदेशक सुरजीत बल्ला को नियुक्त किया गया है। तो सुरजीत बल्ला है दोस्तों वह इसका राइट आंसर हो गया। तो सुरजीत बल्ला कौन है इनके बारे में जानते हैं। ये फोटो में दोस्तों आपको सुरजीत बल्ला दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सरकार ने दोस्तों अर्थशास्त्री सुरजीत बल्ला को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों जुलाई में डॉक्टर सुबीर गोकर्ण की मृत्यु के बाद में यह पद रिक्त हो गया था, जिसे सुरजीत बल्ला के द्वारा अभी ज्वाइन किया जाएगा। दोस्तों बल्ला ने पहले प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया था, लेकिन इस साल के शुरू में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद में सुजीत बल्ला को अभी IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह बैंक से रिलेटेड है। वह दोस्तों हाल ही में किस बैंक ने एक्सप्रेस FD यानी फिक्स डिपॉजिट लॉन्च की है? तो हाल ही में दोस्तों एक्सिस बैंक ने जो एक्सप्रेस फिक्स डिपॉजिट सेवा है उसको लॉन्च किया है। तो इसके बारे में जानते हैं, तो ये लॉन्च किसने किया है? एक्सिस बैंक ने किया है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब इसके बारे में जानते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट जो हम बैंक में करवाते हैं वो एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं, एक्सिस बैंक का जो अध्यक्ष वर्तमान में वह कौन है? तो एक्सिस बैंक के अध्यक्ष राकेश मखीजा हैं। उनका मुख्यालय जो है एक्सिस बैंक का वह मुंबई में स्थित है। अब क्वेश्चन के बारे में जानकारी देखते हैं, तो भारत के तीसरे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक ने दोस्तों एक्सप्रेस FD सेवा लॉन्च की है और यह सेवा एक डिजिटल फिक्स डिपॉजिट है, जिसको ग्राहक बैंक में बचत खाता खोले बिना केवल 3 मिनट में डिजिटल मोड के जरिए FD खोले सकते हैं। दोस्तों बैंक के अनुसार एक्सप्रेस FD आकर्षक ब्याज दरें ऑफर करती है, जिसे 0 शुल्क पर जारी किया जा सकता है और निकासी की तिथि से पहले 25% तक की राशि बिना किसी शुल्क के निकाली जा सकती है। दोस्तों ग्राहक 5,000 रुपये की न्यूनतम राशि से लेकर 90,000 रुपये तक की राशि की FD खोल सकता है, जिसकी अवधि 6 महीने से लेकर 12 महीने तक होगी। तो यह सेवा एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है, वह है दोस्तों भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के दक्षिण पश्चिमी वायु कमान यानी SWAC के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स के दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के जो नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम है दोस्तों SK गोठिया। तो SK गोठिया इसका राइट आंसर हो गया। इससे पहले SS अरोड़ा थे, जिनका प्रमोशन होने के बाद में यह पद खाली हो गया था। SK गोठिया को इसके उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो फोटो में आपको SK गोठिया दिखाई दे रहे हैं। अब इनके बारे में जानते हैं दोस्तों, तो भारतीय वायुसेना के बारे में आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है वह 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन के बारे में जानकारी, तो एयर मार्शल SK गोठिया ने दोस्तों गुजरात गांधीनगर में भारतीय वायुसेना के दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है और वह एयर मार्शल HS अरोड़ा का स्थान लेंगे। HS अरोड़ा दोस्तों वायुसेना मुख्यालय में वायुसेना प्रमुख के ये करेक्शन कर लेना, इसमें वायुसेना उप प्रमुख के पद पर पदोन्नत हुए हैं और इस नियुक्ति से पहले एयर मार्शल गोठिया ट्रेनिंग कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह है, अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल
डोंगफेंग 41 इंटरकॉन्टिनेंटल रेज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये दोस्तों इस मिसाइल का जो अनावरण किया गया है ये चीन के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन इसका सही उत्तर हो गया। तो चीन ने इसका जो अनावरण किया है तो इसके बारे में जानते हैं। ये फोटो में आपको डोंगफेंग 41 या DF-41 मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। तो इसके बारे में आपको बताते हैं दोस्तों, चीन ने साम्यवादी शासन की 70वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय दिवस की परेड के दौरान अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल डोंगफेंग 41 इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। ये इसको DF-41 के नाम से भी जाना जाएगा और DF-41 की रेंज जो है वह 9320 मील यानी 15000 किलोमीटर तक की है, जो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी मिसाइल से ज़्यादा है। यानी 15000 किलोमीटर तक की जो रेंज वाली मिसाइल है वह पहली विश्व की पहली मिसाइल DF-41 है। और दोस्तों इसके बारे में बता दूं कि सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के अनुसार यह मिसाइल स्वतंत्र रूप से 10 लक्षित परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है और सैद्धांतिक रूप से 30 मिनट में संयुक्त राज्य अमेरिका को ख़त्म कर सकती है। दोस्तों चीन ने पानी के अंदर चलने वाली अपने वाहनों को भी प्रदर्शित किया है और नए जो स्टिल्थ DR-8 ड्रोन की ध्वनि की गति से 5 गुना तक उड़ान भरने में सक्षम माना जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों, भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा चरखा है उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। तो स्मृति ईरानी इसका सही उत्तर हो गया। तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये फोटो में आपको जो भारत का सबसे बड़ा चरखा है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नोएडा में अपशिष्ट प्लास्टिक से बने भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया है। दोस्तों प्लास्टिक कचरे से बने इस चरखे का उद्घाटन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर किया गया, यानी 2 अक्टूबर को किया गया। और यह चरखा जो गांधी के स्वदेशी यानी आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता सपने का प्रतीक है, जिसका आकार कितना है? इस चरखे का आकार 14 फीट 20 फीट और 8 फीट है और ये 1250 किलोग्राम उपयोग किए गए प्लास्टिक से बना हुआ है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो गई। अब आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो हाल ही में दोस्तों दिल्ली से कटरा चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है उसकी शुरुआत की गई है, उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। वह किया गया भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह के द्वारा। तो अमित शाह इसका सही उत्तर हो गया। ये फोटो में आपको अमित शाह वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है और ट्रेन का जो पहला कमर्शियल रन है 5 अक्टूबर से शुरू होगा और दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू और कश्मीर के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा तोहफा है। ये दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। पहला रन दोस्तों दिल्ली और वाराणसी के बीच में हुआ था और ये दूसरी दिल्ली और कटरा के मध्य इसकी शुरुआतें की गई है। तो ये दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स हो गया। हमारा करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें क्या सुधार करना है वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो कौन सी जयंती मनाई गई थी? 100वीं, 150वीं, 125वीं, 75वीं। तो इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वह राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में इसे शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस प्रकार के लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन इस प्रकार का घंटे का स्थान बना हुआ है उस घंटे के स्थान को जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी तुरंत वीडियो डालते ही आप तक ही पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।